वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेबी डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सीएसएन नीट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस रीजन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एट दी एंड हम लोग ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी सीएसएन नीट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रीजेंट है, ये जो टेबी रीजेंट है, वो किस टाइप का रीजेंट है? देखो, अगर टाइटेनियम सी एच टू एल्यूमिनियम या पे डाइमिथाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे सीपी, सीपी का मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग, राइट, दैट सीपी। तो ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टेबी रिएजेंट, ठीक है। अभी ये जो रिएजेंट है इसका काम क्या है? काम कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल काम है। अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कॉम्पाउंड है तो क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे सी एच टू में कन्वर्ट करते हैं ना। इसको अभी देखो, सही से देखो, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सी एच टू आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलाइजेशन, राइट। तो इसको हम लोग मिथिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये सी एच टू कहाँ से आता है? ये जो सी एच टू है ना वही यहाँ पे जाके बैठ जाता है, तो यहाँ पे कार्बोनिल से ये मिथिलाइजेशन करता है। अभी ये जो कार्बोनिल कॉम्पाउंड है ना, ये किस टाइप का कार्बोनिल के लिए होता है? अगर हमारे पास कोई लेट्स से एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है तो हो जाएगा। अगर हमारे पास कीटोन है तभी भी होगा, एस्टर है तभी भी होगा, एमाइड भी है, देन ऑल्सो ये एप्लीकेबल है ना। अगर इसका मेकेनिज्म भी देखेंगे ना, तो इसका भी मेकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट मेकेनिज्म है। एंड ये बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायरेक्टली यहाँ पे जाके रिएक्ट नहीं करते, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पे लुइस बेस यूज करते हैं, एंड लुइस बेस इज योर पिरिडिन, ठीक है। पिरिडिन का जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो जाके क्या करते हैं, लुइस एसिड में, एल्युमिनियम में अटैक करते हैं। अभी जब लुइस एसिड में अटैक करेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये अभी साइमल्टेनियसली ब्रेक कर जाएगा। अभी अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, देखो सीपी टाइटेनियम सीपी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सी एच टू, क्लियर हो गया, और ये जो बाकी कॉम्प्लेक्स है निकल गया, वेरी सिंपल। और ये जो कॉम्प्लेक्स जेनरेट किया, जो टीबी रिएजेंट है, यही है एक्टिव एक्टिव पार्ट, ठीक है। ये रिएजेंट का जो एक्टिव पार्ट है वो यही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कार्बिंग, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर शॉर्ट कार्बिंग। तो ये जो पार्ट है ये अभी क्या करेगा, ये कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो सी एच टू है वो इधर आ गया। अभी देखो इसका मैकेनिज्म कैसे, बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी पी टू टाइटेनियम प्लस सी एच टू माइनस, ठीक है। अभी देखो ये जो एल्डिहाइड है, सॉरी ये जो कार्बोनिल कॉम्पाउंड है, यहाँ पे जाके ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये ऐसे हो जाएगा R R O माइनस, उसके बाद सी एच टू एंड इसके बाद टाइटेनियम सी पी टू, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये इधर जाके अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। तो यही इसका मैकेनिज्म है। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, ये जो टीबी रिएजेंट है बेसिकली ऑलिफिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे हम लोगों को जो डबल बॉन्ड, इसका जो मेन ट्रिक्स है एग्जाम के टाइम पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन होगा वो इधर जाके रिएक्ट करेगा, तो ये सी एच टू आ गया। कहाँ से आ गया, ये सी एच टू। अभी ये कैसे रिएक्ट करते, इसके लिए हम लोग पीरीडीन एक बेस यूज करते हैं, जो ये लुइस एसिड में यूज करते हैं, ये लुइस बेस, ये लुइस एसिड सेंटर, यहाँ पे जाकर अटैक करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्टिव कैटलिस्ट जेनरेट हुआ, इसको हम लोग शॉक कार्बिंग भी बोलते हैं, जो डायरेक्टली कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है। अभी ये जो कार्बोनिल होता है ये किस टाइप का हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ए नोट, दिस कैन बी योर एल्डिहाइड कीटोन एस्टर एमाइड। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म को। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं देखो, अगर हम लोग विटिग रिएजेंट और यू कैन से द रिएक्शन के बात करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या रिएजेंट यूज करते, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएजेंट हम लोग यूज करते, जिसका सेम काम होता है ना, इसका भी तो सेम काम होता है, बट ये जो रिएजेंट और रिएक्शन था ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर कीटोन
एंड एल्डिहाइड। बट फॉर दिस टेबी रिएजेंट इसकी इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि ये एल्डिहाइड कीटोन भी काम करेगा एज वेल एज एस्टर एमाइड भी काम करेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई ग्रुप में ऐसा ग्रुप है ना RCOOET, तो इसका क्या होगा, आफ्टर दिस टेबी ऑलिफिनेशन ये सीस्ट हो जाएगा। बट अगर हम लोग विटिक रिएजेंट यूज करेंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि विटिक रिएजेंट ओनली फॉर द कीटोन एंड एल्डिहाइड। दैट मींस ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सेशन गेट, इसके यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैंने स्पेस नहीं पाया इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग चार प्रॉब्लम करेंगे तो ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा ये किस टाइप के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम ड्रॉ किया, यहाँ पे बेसिकली टेबी रिएजेंट हम लोग यूज करना है। ठीक है, ये टेबी रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एस्टर। तो मैंने क्या बताया था, कीटोन एल्डिहाइड एस्टर एनामाइड, राइट। ये तीनों चार कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल है। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई कंपाउंड में कीटोन भी रहेगा एस्टर भी रहेगा, देन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कौन पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, राइट, वेरी सिंपल। तब हम लोग ऐसे देखना है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है वो पहले रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद कीटोन आता है, उसके बाद एस्टर आता है, एंड देन यू हैव एमाइड। दैट मींस एल्डिहाइड पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद कीटोन, देन एस्टर, देन एमाइड रिएक्ट करेगा, वेरी सिंपल, राइट। तो अगर हम लोग यही कंपाउंड को देखेंगे, ये बेसिकली एक एस्टर है, राइट, तो एस्टर क्या करेगा, पीएच सीस्ट हो जाएगा और ओईटी रहेगा, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन है देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन इक्विवेलेंट देन वन इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट अगर यूज करेंगे तो पहले बता दो यहाँ पे क्या होगा। देखो ये है हमारा कीटोन और ये है एस्टर, तो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, कीटोन का ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट अगर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट टेबल रीजन यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पहले सेस्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद अगेन अगर वन इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो अभी ये एस्टर जो पार्ट है ये यहाँ पे सीस्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यही इसका बेसिक ट्रिक्स है, ट्रिक्स क्या है, अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वहां पे सीस्ट हो जाएगा, वेरी सिंपल ना। ओके, अभी ये क्वेश्चन आया था CSN 8 2016 में। अभी देखो फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे क्या है, 1,2-dihydroxyethane, राइट, इट्स वेरी सिंपल। ये क्या करता है, कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करता है, वेरी सिंपल। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो उसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, अंडर एसिडिक कंडीशन यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये बस नॉर्मली कीटोन के कीटोन को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जाके इधर अटैक करेगा, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जो प्रोटोन था, ठीक है ना, ये अभी इधर जा रहा है, क्लियर हो गया, माइनस प्लस एच प्लस, ये जो प्रोटोन था अभी ये इधर जा रहा है, ये इसको प्रोटोन को ले रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, माइनस प्लस एच प्लस। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर ऐसे पुश करेगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, माइनस वाटर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, तो क्या होगा, ये जाके अभी अटैक करेगा, इसका प्रोटेक्शन हो गया, तो ये बन गया हमारा प्रोटेक्शन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो टेबी रिएजेंट है, क्लियर हो गया, सिमिलर टेबी रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, टेबी रिएजेंट यहाँ पे अगर आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे पिरिडिन भी है, तो अगर टेबी रिएजेंट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या एस्टर ग्रुप है ना, CO2CO3, दैट मीन COOCH3, तो इसमें अगर रिएजेंट देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 और OCH3 आएगा, वेरी सिंपल। तो अगर टेबी रिएजेंट देंगे तो क्या होगा, CH2 एंड देन यहाँ पे OCH3, क्लियर हो गया।
ठीक है। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है एसिड सॉल्यूशन। अभी एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो एसिडिक मीडियम में जो होता है वो बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन हुआ था इसका डिप्रोटेक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट, एसिडिक मीडियम में कैसे डिप्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर प्रोटेक्शन होगा तो ऐसे करके ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद वाटर आके अटैक करेगा तो ये कार्बोनिल में बैक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स लिखा देता हूँ। ये अगर कोई ऐसा ग्रुप है ठीक है आर, अगर हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर लो, अगर हम लोग टॉसाइल मतलब ये एसिड मीन्स टॉसाइल मीडियम में अगर करेंगे टॉसाइल है तो यहाँ पे क्या होगा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बैक करेंगे, अगेन अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये बैक हो जाता है। क्लियर हो गया? अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो अगेन यहाँ पे बैक हो जाएगा। तो सिमिलरली ये मैकेनिज्म होगा। तो देखो एसिड देंगे तो क्या होगा, इसका ऐसा होगा। एंड सिमिलरली ये जो पार्ट है ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि काइंड ऑफ इनोल टाइप ऑफ सिस्टम है जो डेफिनेटली एसिड मीडियम में रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो ये बन गया डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद कुछ इस तरह से है OH, ये मिथाइल एंड दिस विल बी योर OCH3 प्लस, ये बन गया हमारा CH3 ठीक है। तो यहाँ पे जाके वाटर अटैक करेगा, उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जाके वाटर अटैक करेगा तो हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना वो कुछ इस तरह से होगा ठीक है। मैं और एक स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे OH। तो यहाँ पे अगर वाटर आएगा तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस एच प्लस होगा, तो ऐसे होगा ठीक है। तो ये ऐसे करेगा तो ये निकल जाएगा ठीक है। एंड ये जो मिथाइल है OCH3 ठीक है, ये मिथाइल और ये हो गया OH। अभी यहाँ पे भी माइनस प्लस एच प्लस होगा क्योंकि ये वाटर से दो प्रोटॉन था, यहाँ पे एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो इसमें ये अगर पुश करेगा तो ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी सिंपल ना। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसका क्या रिएक्शन होगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, कार्बोनिल CH3 कार्बोनिल यहाँ पे आ गया CH3 ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये कार्बोनिल को प्रोटेक्शन किया था, उसके बाद टेबी रिएजेंट क्या किया था, यहाँ पे CH2 आ गया। वेरी सिंपल, एक ही था ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप था एस्टर का, क्योंकि ये रिएक्शन एस्टर के लिए भी एप्लीकेबल है ठीक है। उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोटेक्शन हुआ था वो डिप्रोटेक्शन हो गया, ये कार्बोइन हो गया। और ये जो सीस्ट हुआ था ये काइंड ऑफ इनोल टाइप ऑफ सबफिनोल, बहुत ही रिएक्टिव होता है एसिड मीडियम में, डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये कार्बोनिल में बैक कर जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ठीक है। और एक प्रॉब्लम है, मैं इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन भी आया था CSN नेट में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव पार्ट था। सिलेक्टिव मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था इसका रिएक्टिविटी। नाउ देखो यहाँ पे एक साइक्लिक एस्टर, मतलब इसको हम लोग बोलते लैक्टोन, एंड ये फ्री एस्टर, इसका मतलब यहाँ पे जो टीबी रिएजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली दोनों के साथ पहले रिएक्ट नहीं करेगा। अभी हम लोगों को ये तो पता है साइक्लिक एस्टर का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है देन नॉर्मल एस्टर, राइट? साइक्लिक सिस्टम का रिएक्टिविटी ऑलवेज ज्यादा होता है क्योंकि वो साइक्लिक सिस्टम में रहता है, वो बहुत स्ट्रेन रहता है, तो डेफिनेटली वो रिएक्ट ज्यादा करता है। तो अगर हम लोग ये टीबी रिएजेंट यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक यहाँ पे CH2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद टार्ब्यूटाइल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ अभी ना जो पार्ट है इसको हम लोग सही से देखेंगे। अच्छा ये जो पार्ट है ना इसको मैं आर पकड़ लेता ठीक है, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन था, चार ऑप्शन था, अगर आपको चार ऑप्शन है तो आप इस प्रॉब्लम को अभी सही से देखोगे। यहाँ पे हीटिंग है, बहुत कम टेम्परेचर है, बट ये बहुत रिएक्टिव पार्ट है, तो ये क्या करेगा, 4+2 साइक्लाइजेशन करेगा ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन था, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन अगर देंगे तो डेफिनेटली साइक्लेशन करेगा। कैसे करेगा, 4+2 साइक्लेशन, देखो यहाँ पे 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4+2 साइक्लेशन अगर होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म मतलब कन्फर्म है ना। ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो पार्ट है ठीक है, ये 4+2 जो डील सेंडर, ये इंट्रामोलिकुलर डील सेंडर रिएक्शन है, राइट? मैंने ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर डील सेंडर रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द ट्रिक्स, देखो पहले देखो ये जो ग्रुप है ये तो नीचे है,
और ये जो ग्रुप है ना, ये डबल बॉन्ड जो है डाइन, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, ये अप पे है, और ये डबल बॉन्ड जो है जो डाइनोफाइल वो डाउन पे है, क्योंकि ये ग्रुप जो देखो डाउन पे जा रहा है, राइट। तो देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये टार्ट ब्यूटाइल। अभी ऐसे करके सोचना है इसको, ये अगर नीचे रहेगा तो ये जो पार्ट है ना, रिमेंबर मैंने यहां पे जितना भी किया है COOET, नाउ वेरी वेरी केयरफुल, मैंने यहां पे क्या किया, ये जो ग्रुप है वो डाउन पे है, और ये जो CH2 और ये जो पार्ट है डाइन, ये अबव द प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो ये जो डबल बॉन्ड का जो डाइन है ये ऊपर है, और ये डबल बॉन्ड जो है नीचे है, ठीक है। अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो CO2 एस्टर ग्रुप है वो अंदर है, मतलब ऐसा है, क्लियर हो गया। ये अगर CH2 एस्टर ग्रुप है वो ऐसे अंदर है, क्लियर हो गया, और ये है डाइन, ये डाइन सिस्टम ऊपर है। अभी इसको मैंने क्यों अंदर रखा, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, राइट। तो इसको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ये ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। मैं थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे यही इसका ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो ऑर्बिटल है इसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। ना इसको मैंने क्यों अंदर रखा है यहाँ पे, बिकॉज ये जो कार्बोनिल का जो और एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर देखो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग को वो ग्रुप को अंदर रखना है, क्लियर हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर ऐसा ही है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था वो क्या होगा, ऐसे रहेगा ऊपर। अभी क्लियर हो गया, ये ऊपर है। अभी देखो अगर साइक्लेशन होगा तो कैसे होगा, यहां पे मैं करता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, ठीक है। अभी देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्रुप है वो नीचे जा रहा है, दैट मींस दैट शुड बी CO2 ET, क्लियर हो गया। अभी इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है और इसका जो, तो यहाँ पे क्या ऑर्बिटल, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, तो ये क्वेश्चन आया था, इसको हम लोगों को सही से सीखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अभी देखो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए वो नीचे है, अभी देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये आर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, ई है, तो हम लोगों को सिक्स प्रिंसिपल पता है, सिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, अगर ये ऑपोजिट रहेगा तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ऑपोजिट होगा, तो दैट इज आर इज योर एंड देन फिनाइल, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद देखो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये ग्रुप नीचे रहेगा तो ये ग्रुप डेफिनेटली ऊपर रहेगा, यहाँ पे फाइव मेंबरिंग जॉइंट है। अच्छा अभी नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो CO2 ET ग्रुप है वो नीचे है, राइट, नीचे है, और ये जो हाइड्रोजन वो इस साइड में, दैट मींस देखो CO2 ET उसका डायरेक्शन इस साइड में है, और ये जो अबव द प्लेन हाइड्रोजन उसका डायरेक्शन इस साइड में, दैट मींस दोनों ऑपोजिट, ट्रांस टू ईच अदर, अगर ये नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। बाकी बहुत ही सिंपल है, टार्ट ब्यूटाइल, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी सेम ही है, ओके तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। जहां पे देखो इसका इसका ऑपोजिट है, इसका इसका ऑपोजिट है, बट इसके इसके सेम है ना। यहाँ पे ऑप्शन आप देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे चार ऑप्शन है, बट जो ऑप्शन यहाँ पे मैं सी जो है वो भी सी मैच कर रहा है, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो ये सेम है, ये ऑपोजिट, सो जो ऑप्शन सी है वही, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, सो दैट विल बी योर CO2 ET, तो ये ऊपर रहेगा, ये हाइड्रोजन नीचे, सो दैट विल बी अबव द प्लेन, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये इक्विवेलेंट है, ये जस्ट इसका केमिस्ट्री देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को सॉल्व करना है, इसका केमिस्ट्री मैंने बता दिया, यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए वो नीचे जा रहा है, राइट, अगर ये नीचे जाएगा तो ये हाइड्रोजन ऊपर है ना, डेफिनेटली,
ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, तो ये अगर हाइड्रोजन ऊपर आएगा तो इसका स्टोइकोमेट्री इसका ऑपोजिट होगा। नाउ सिस प्रिंसिपल में क्या होता है, सिस प्रिंसिपल अगर आपने डील सेल रिएक्शन पढ़ा है तो वहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, सिस प्रिंसिपल वहाँ पे जाके देख लो आप कैंसर में, सिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिस प्रिंसिपल इसका स्टोइकोमेट्री अगर ई है तो दे आर ऑपोजिट टू इच अदर, राइट, तो ये ऑपोजिट हो गया। तो सेम केमिस्ट्री आपने अगर इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सेम है इसका स्टोइकोमेट्री का, अगर देखेंगे ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, बट ये सेम है, मतलब सेम साइड में है, that means option should be your C is the answer, right? C hai na? Okay, now if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel, and for this chemistry you can read Claydon as well as Carothan, all right.